भारत को स्वागत को छिमडनीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे भारत पई ऐतिहासिक दिन विश्व दरबार में मोदी लेखिले नुआ भारतर नुआ इतिहास देशर प्रथम प्रधानमंत्री भावे मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद कले अध्यक्षता समुद्र रास्ता को अंतरराष्ट्रीय व्यापार लाइफलाइन कहले मोदी खाइबा तेल आत्मनिर्भर होगा प्रधानमंत्री आह्वान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आरंभ 11,000 कोटी निवेश करिब केंद्र पूरा प्लान कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी को मिलला पीएम किसान नवम किस्ती अन्नदाता अकाउंट को गला 19,500 कोटी टंका लाभ पाइले 9,75,00,000 परिवार टंका ट्रांसफर करे चाषी सहित कथा हेले प्रधानमंत्री देश को फेरिले ओलंपिक्स पदक विजेता दिल्ली विमान बंदर पदक विजेता भव्य स्वागत संवर्धना और किसी समय पर होटल अशोक सम्मान समारोह वर्चुअल सामिल हो पारती प्रधानमंत्री मोदी चारिमास परे हजार तलकु खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 886 पॉजिटिव खोर्धार 253 और कटकु 81 आक्रांत सेपटे पुणी 66 जीवन नेला भाइरस भारत पई ऐतिहासिक दिन विश्व दरबार में मोदी लेखिले नुआ भारतर नुआ इतिहास जननायक विश्व नायक हेले मोदी मोदी कहते शुणुला सारा विश्व देशर प्रथम प्रधानमंत्री भावे मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद अध्यक्षता करी नुआ इतिहास रचिंट प्रधानमंत्री मोदी विश्वर सबुठ शक्तिशाली परिषद यूएनएससी बैठक आज मोदी अनुमति पर आरंभ होता आपरी करें भारत प्रथम प्रधानमंत्री होती मोदी यह अवसर में करोन प्राण हर समस्त नीरव प्रार्थना करा प्रधानमंत्री मोदी परिषद को संबोधित करसर समुद्र रास्ता को अंतराष्ट्रीय व्यापार लाइफलाइन कहते मोदी यह सहित तो विश्व आगे प्रधानमंत्री 5G मूल करने सिद्धांत अनेक देशों के बीच मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं और इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है अनेक देशों के बीच मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरिटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता यह एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के समक्ष लेकर आए हैं सबसे बड़ी बात यही है खाइबा तेल उत्पादन में भारत हेबो आत्मनिर्भर देशवासी को प्रधानमंत्री आह्वान आरंभ होला राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम प्रधानमंत्री कहते पूरा प्लानिंग खाइबा तेल आत्मनिर्भर होगा आह्वान एवं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम प्रधानमंत्री कहले पूरा प्लानिंग डाली मिशन सफलता पर तेलर पाई केन्द्र नवेश कर 11,000 कोटी अधिक केवल धान कि गहम नुहे एवं भारत को तेल उत्पादन में भी अग्रणी करने को योजना आरंभ कर मोदी वर्तमान 55% खाइबा तेल आमदानी डाली मिशन सफल होगापर नजर रे खाइबा तेल से केंद्र सरकार निवेश सह योजना मध्यम प्रस्तुत खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है
तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सबसे प्रथम थर शस्य रप्तानी रे विश्व श्रेष्ठ 10 रे पहुंची भारत। चाषी को संबोधन करने समय अनेक नुआ योजना संपर्क अवगत कराई प्रधानमंत्री। मिशन हनी बी गत वर्ष 700 कोटी टंकार रप्तानी कर भारत। जम्मू काश्मीर प्रसिद्ध केसर वर्तमान देशर नाफेड दुकान में मिल जहाँ यह अधिक लोकप्रिय कर। सेपरी भारतीय कृषि को समय अनुसार बदलवाक ही पड़ आम देशर चाषी यह परिवर्तन को ग्रहण करे आशा रखिंट मोदी। भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। गोटे पटे अन्नदाता अकाउंट को टंका अन्य पटे राष्ट्रीय तेल मिशन स्पष्ट करुछि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को फोकस रे चासी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पीएम किसान योजनार चाषी को मिलला नवम किस्ती अन्नदाता अकाउंट को गला 19,500 कोटी टंका। 9,75,00,000 अधिक चाषी परिवार लाभ पाई। टंका ट्रांसफर पर हिताधिकारी सहित सीधा सड़क कथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अवसर में प्रधानमंत्री सहित कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित रही। पीएम किसान सम्मान निधि योजन प्रतिवर्ष योग्य चाषी पर 6,000 टंका लेखाएं प्रदान करन किस्ती सीधा सड़क चाषी अकाउंट को पठा। योजन वर्तमान सुधा 1,38,00,000 टंका अन्नदाता अकाउंट में जमा कर। भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। समुद्र रे निजर प्रथम जलावतरण पर 5 दिन सफल जलयात्रा समाप्त कर आईएनएस विक्रांत। मोदी सरकार द्वारा आरंभ कर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक ऐतिहासिक घटना। भारत प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गत अगस्ट 4 तारीख दिन प्रथम जलावतरण करा। परीक्षामूलक भाव में प्रथम समुद्र यात्रा आरंभ करने विक्रांत सफलतार सहित यात्रा समाप्त कर विभिन्न प्रकार एयरक्राफ्ट बहन करने निर्मित होशाल जलजहाज को
जलजहाज को भारतीय नौसेना कमिशन बा मुतयन करा दिजिव आईएनएस विक्रांत प्राय 40,000 टन ओजन और 262 मीटर लंब 62 मीटर चौड़ा 69 मीटर उच्चतार यह जहाज संपूर्ण भाव में भारत में निर्माण होती खर्च होगी 23,000 कोटी टंका कोचिन सीपयार्ड रे एहाकु निर्माण करा जाइछि समस्त प्रकार अत्याधुनिक व्यवस्था रहिछि विक्रांत रे मो 14टी डेक रहिछि थिरे एहरो डेक रे एमआईजी 29K सुपरसोनिक फाइटर जेट विभिन्न प्रकार मल्टी रोल हेलिकॉप्टर इत्यादि रखा जाय परिबो एहा द्वारा बढ़िबो भारतर प्रतिरक्षा शक्ति विक्रांत निर्माण द्वारा भारत विश्वर अन्य सब उन्नत देशगुडीक सहित समकक्ष होइछि जे माने ए प्रकार जलजहाज निर्माण करछन्ति विक्रांतर परीक्षामूलक यात्रा समाप्त को एक ऐतिहासिक मुहूर्त बोली भारतीय नौसेना तरफ प्रकाश करा जायछि हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया व्हेन द फर्स्ट Indian built indigenous aircraft carrier completes her first sea trials and we are going back to Kochi after 5 days of trials at sea this has been many firsts this is the first aircraft carrier that we are trying out at sea this is the first one that we designed it is the first sea trial in which we have been able to go to full speed the entire power of the ship has been is gone up to full power trials just in the first sortie of 5 days we have managed to complete the basic machinery trials of the ship equipment such as the steering gear the lube oil systems the fuel systems cover sarebo samachak break ra प्रथमे वायुसेना एवं परे स्थलसेना लद्दाख रे भारतीय वायुसेना निजर शक्ति प्रदर्शन करिवा परे बे शक्ति प्रदर्शन करछि स्थलसेना सेना पक्षरु पूर्व लद्दाख रे अत्याधुनिक टैंक मुतन हेबार एक वर्ष परे बे आर्म रेजिमेंट निजर अस्त्र शस्त्र सहित सेठारी जोरदार अभ्यास आरंभ कर देछि पूर्व लद्दाख रे 14,000 फुट टू 17,000 फुट उच्चरे थिबा अत्यंत दुर्गम अंचल रे जेकोनसी प्रकार ऑपरेशन पई प्रस्तुत रहिछि स्थलसेना एवं वायुसेना चीन सहित लद्दाख सीमा कोनी विवाद परठारु सेठारे ऑपरेशन लियोपार्ड आरंभ होइतला सेबठारु ग्रीष्म एवं शीत ऋतु रे नियमित मुतयन रहिछि स्थलसेनार सशस्त्र रेजिमेंट एपरिकि -45 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे मध्य अभ्यास करछि स्थलसेना चीन सहित सैन्य अपसारण चुक्ति मुताबक भारत पांगंग ह्रद एवं गोग्रा शिखर निजर सैन्य अपसारण करथले मध्य आगकु यदि कोनोसी चैलेंज आसे ताहले तार सम्मुखीन होबाकु प्रस्तुत रहिछि सेना एबे सेना तरफरु जे अभ्यास चलिछि ताहा चीन सीमारु मात्र 40 किलोमीटर दूर रे बोली जणा पडछि तेनु उभय भारतीय वायुसेना एवं स्थलसेनार ए सामरिक अभ्यास एबे चीन को वार्ता देउछि भारत सहित होइथिबा चुक्ति उल्लंघन कले एणिकि ठिकणा जवाब देबो भारत Landing ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. It bridges the critical gap between Leh airfield and LSE, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh, which overcomes terrain friction. That will further help in quicker access to the heights and sustenance operations thereafter. The air operation infrastructure at Nyoma enhances the operability of forces. It also improves the connectivity for the entire population in eastern Ladakh region. The air warriors are adequately trained and suitably equipped to remain deployed for long duration. Sound leadership, proper equipment and timely rotation of personnel are key contributory factors. Suitable administrative infrastructure and sustenance facilities have been provided and these are being progressively improved. Our air warriors take pride in operating at these altitudes. Also the good wishes and support of our countrymen keep them motivated to face the extreme weather conditions स्वाधीनता दिवस पूर्वरु जम्मू काश्मीर रे सुरक्षाकर्मी बड़ सफलता दुईटी भिन्न भिन्न स्थान रे सुरक्षाकर्मी आतंकी षड्यंत्र को पंड करछन्ते किस्तवाड़ा रे हिजबुल मुजाहिदीन रो दुई आतंकी सुरक्षाकर्मी गिरफ्त करथवा बेले पुंछ रे बीएसएफ बड़ षड्यंत्र को पंड करछि किस्तवाड़ा रे धरा पड़थवा दुई आतंकी निकटु विपुल परिमाण रो अस्त्रशस्त्र सहित गोला बारूद जबत होइछि पुलिस एवं सेना पक्षर होइथिबा मिलित ऑपरेशन रे पुंछ जिल्लार सांगड़ गांव रे थिबा आतंकी ठिकणारु दुईटी AK-47 राइफल चारिटी मैगजीन गोटे चीनी पिस्तल
पिस्तल और 10 पिस्तल मैगजिन जबत हो चलित बर्ष जम्मू काश्मीर वर्तमान सुधा 90 रु अधिक आतंकी को निपात कर सुरक्षाकर्मी। सेबड़े आगको स्वाधीनता दिवस आसुवर देश में अशांति सृष्टि करने षड्यंत्र चल विभिन्न भाग में सक्रिय उग्रवादी संगठन योजना को पंड करने को सजग रही भारतीय सुरक्षा एजेन्सी किछि दिन धरी जम्मू काश्मीर विभिन्न भाग में तलाश अभियान को जोरदार करा देशर उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक सक्रिय थिबा उग्रवादी गोष्ठी उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि। आज आसाम राइफल्स एवं स्थानीय पुलिस पक्ष तलाशी अभियान कर मणिपुर टेक्नोपोल अंचल विपुल परिमाण अस्त्रशस्त्र जबत करापड़ किदिन तले उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक सीमा बिवाद को नहीं सृष्टि होता हिंसार एपरी उग्रवादी गोष्ठी हाथ थवर सन्देह कर स्वागत। विरोधी दलगुड़िक द्वारा लगातार संसद में हट्टगोल भितर सोमवार दिन लोकसभा उपस्थापित होती 127वां संविधान संशोधन बिल। केन्द्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार यह उपस्थापित करते सामाजिक और अर्थनैतिक दृष्टि पछुआ वर्गर नागरिकों चिन्हट करने राज्यगुड़ी को क्षमता प्रदान करने को संविधान में संशोधन अणाई है। पूर्व माननीय सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते केवल केन्द्र ही वर्गर नागरिकों चिन्हट करें व्यवस्था को बदल संविधान संशोधन आवश्यकता थी लोकसभा प्रथम प्रस्ताव आगत करा तबे सबुठ बड़ कथा है लोकसभा एथपाई आगत प्रस्ताव को कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलगुड़िक समर्थन बिना बाधा यहा पारित हो पार्टी। महोदय भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। सभापति महोदय ये विरोध केवल राजनीतिक आधार पर विरोध है, इनके जो शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी लगातार इसको बिल्कुल लाए जाने की मांग की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको विधेयक को प्रस्तावित करने देश को फेरी ओलंपिक्स पदक विजेता दिल्ली विमान बंदर पदक विजेता भव्य स्वागत करा स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोप्रा रवि दहिया बजरंग पुनिया लवलीना देश को फेरी पदक विजेता सहित अन्य खेला देश को फेरी जोरदार स्वागत पर खेला दिल्ली स्थित अशोक होटेल को निठार खेला सम्मानित करार कार्यक्रम रही तेज समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया खेला सहित प्रधानमंत्री आलोचना करार कार्यक्रम रही। बयस मात्र 4.5 वर्ष किंतु प्रखर स्मरण शक्ति जहाँ शुणुंता मन रखिदे मुह खोल मात्रे विभिन्न देशर ना सहित राजधानी ना अति सहजरे जी देखुची से कुनी चाणक्य बोली संबोधन करे से चाणक्य कौन तक प्रतिभा देखा रिपोर्ट आयुष्मान गोस्वामी बयस मात्र 4.5 वर्ष भलरे कथा कही पारु नथिबा आयुष्मान को मुहरे विभिन्न देशर राजधानी और पड़ोसी देशर भौगोलिक स्थिति यहा सह समस्त देशर प्रधानमंत्री नाम सहित परमाणु क्रमिक संख्या अनर्गल कही पारुछन्ति आयुष्मान। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम। भुवनेश्वर सत्यनगर स्थित काली मंदिर निकटरे रुहंती आयुष्मान बापा जणे चक्षु डाक्तर माँ प्रियंका प्रियदर्शिनी कहती कोरोना जोगुं आयुष्मान रही जाए प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होइनी घरे माँ को पाखरे रही जहाँ शिखुची ताकू मने रखुची आयुष्मान को ए प्रखर वृद्धि और स्मरण शक्ति देखे समस्ते चाणक्य बोली संबोधन करुछंती। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder how you are.
ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ 1 ଇୟର୍ସ 8 ମନ୍ଥ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଠିକ୍ସେ ତାର ଖୋଲି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା ଟ୍ରାଏ କଲି କହିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର କହିଲା ପରେ ସେ ଖେଳୁଥିବ, କିଛି ତାକୁ ଟଏଜ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ଖେଳୁଥିବ, ଏମିତି ସେମିତି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଇଭିନ୍ 5 ରୁ 6 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେ 29-30ର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ତାର ରାଜଧାନୀ ନାଁ ଶିଖାଇଥିଲେ। 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ 10ଟି ଦେଶ ଓ ତାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ କହିପାରିଲେ। ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଗଲା ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଠୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ତାକୁ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜିଭ ଆଗରେ ଅଛି। ତା ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଫିଲ୍ଡରେ ତା ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ଫଟାଫଟ ଗଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଟା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ IIT ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 to 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରଖନ୍ତି। 1 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 20 କ୍ୟାଲସିୟମ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା 21-21 କରି 1 to ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଆ ସେମାନେ କ୍ଲିଅରଲି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ତାର ପିଲାର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଓସିପେଟାଲର ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଡେଡିକେସନ, ତାହାର ଫଳ ହେଲା ଏଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ତ କହିବି କି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ ଦେଇପାରିଲେ, କି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆମେ ବାପା ମାଆ ହେଇକି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ସିଏ ସାର୍ ହିଁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଖି ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କୁନି ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।